हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज माई एसक्यूएल, वर्किंग ऑफ माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन, डेटाबेस ऑपरेशन, टेबल ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन। In select also there are different kind of multiple operations is there, select, distinct and where, and null operations such as and, or and not, between, in and limit, like clauses, foreign key and join. So इस complete video के अंदर मैं सारे आपको topic cover करवाऊंगा और इसके बारे में मैं एक कंप्लीट चीजों के हैंड्स ऑन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। सो डेटाबेस होता है अपना एक सॉफ्टवेयर। डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सो इट बिकम इजी टू मैनेज मैनेज द डेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एनालॉजी देने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले डेटाबेस मैनेज डेटाबेस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करते हैं। उससे क्या होगा, जब हम डेटा रिट्रीव कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी उसके अंदर। अब आप कहोगे कि यार इसकी जरूरत ही क्या है, मतलब हमें क्यों करना चाहिए ये सब, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपका एक रूम है, रूम के अंदर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आपने पूरे रूम में बुक फैला रखी है, इस तरीके से बहुत गंदे तरीके से बुक फैला रखी है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की बुक है आपके पास में, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की मल्टीपल बुक्स है, आर डी शर्मा, प्रदीप्स, रॉबर्ट फिनी, बहुत सारी बुक्स है। अब मैंने कहा कि भाई आर डी शर्मा तुम मेरे को निकाल के दो, आर डी शर्मा की बुक चाहिए। तो आप अपने रूम में गए और रूम में जाकर देखा, अरे बुक तो सारी फैली हुई है, तो आपको तो चाहिए सिर्फ आर डी शर्मा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक बुक को ढूंढना पड़ेगा कि ये आर डी शर्मा है, नहीं ये आर डी शर्मा नहीं है। पूरे रूम में आपको एक सर्चिंग कोविट ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, अलग से आर्मी आपको हायर करनी पड़ेगी कि यस आर्मी आर डी शर्मा ढूंढो पूरे रूम में। और अगर आर डी शर्मा नहीं मिली तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, अगर बहुत बड़ा रूम होगा और उसके अंदर एक एक करके बुक देखनी है तो भाई पूरा रूम आपको तलाश के देखना पड़ेगा। और फिर बाद में आपकी हालत होगी कि 1 घंटे बाद में नहीं मिली आर डी शर्मा। वही दूसरी तरफ आपने पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से बुक को लगा रखा है, एक पूरी रो के अंदर आपने सिर्फ मैथमेटिक्स की बुक लगा रखी है, फिर यहाँ पर आपने फिजिक्स की लगा रखी है, ठीक है, इधर आपने इंग्लिश की लगा रखी है, इधर आपने हिंदी की बुक लगा रखी है। तो जैसे ही आपको कहा आर डी शर्मा ढूंढना है तो सिर्फ आप सीधे मैथ वाले ब्लॉक की तरफ जाओगे, ये मैथ्स वाला ब्लॉक है, इसकी तरफ जाकर इसके अंदर आर डी शर्मा चेक कर लोगे, आपको इन सबको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, ठीक है। इन ऑर्गेनाइज्ड डेटा वी कैन इजीली रिट्रीव इंफॉर्मेशन, वेयर इन अनऑर्गेनाइज्ड वी आर अनेबल टू रिट्रीव डेटा इजीली। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन। सो What is the use of database? Hope you have understood. So, ये database जो है अपना एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, कि आपकी मशीन है, मशीन सिर्फ भाषा समझती है बाइनरी, ठीक है। मशीन बहुत ही बहुत पावरफुल, अपने कंप्यूटर सीपीयू बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सिर्फ भाषा समझता है बाइनरी। वहीं ह्यूमन बाइनरी के अंदर कोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक एक चैनल होता है जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं सीपीयू के साथ में। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो इसके माध्यम से
हम सीपीयू के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो डीबीएम डेटाबेस के लिए हमारे पास में मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है मोंगोडीबी। सो ये एक बहुत ही बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला सॉफ्टवेयर है मोंगोडीबी। फिर है अपने पास में पोस्ट ग्री एसक्यूएल, फिर अपने पास में ओरेकल का, ओरेकल के बारे में तो आपने सुना ही होगा ऑफ कोर्स। फिर अपना माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के अलावा भी है एसक्यूएल प्लस, और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं। क्योंकि मैंने बताया कि अपना ये जो डेटाबेस है इसको इसको करने के लिए, ये चूंकि एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, ये मोंगोडीबी को अलग कंपनी ने बनाया है, फिर पोस्टग्रेएसक्यूएल को अलग कंपनी ने बनाया, ओरेकल का अपना सॉफ्टवेयर है, माईएसक्यूएल का अपना सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल प्लस अलग कंपनी, तो सबने अपने अपने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लेंगे। मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ MySQL, क्योंकि MySQL बहुत ही पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, तो मैं MySQL लेकर उसको इलैबोरेट करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम समझेंगे कि डेटाबेस ही क्यों। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं, एसक्यूएल मतलब होता है सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। सो सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ओके, सो ये होता है सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि डेटाबेस ही क्यों, ये ही क्यों। तो इसको समझने के लिए आइए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। होप आप सभी को सी तो आती होगी, तो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं हम सी के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेता हूँ, ले लेता हूँ इंट ए एंड बी। ए और बी मैं यूजर से पूछूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा, एंटर ए, सॉरी एंटर ए एंड इसको मैं स्कैन करवा दूंगा। तो ये तो सभी को आता ही होगा ऑफ कोर्स, एंड ए, ओके, ये मैंने एड्रेस पास कर दिया। सेम स्कैन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी गाइस, स्कैन, और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके इसके लिए भी कर देता हूँ, मैं आपका बी के लिए भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बी, और एड्रेस यहाँ पर पास करना पड़ेगा बी का। फिर मैं एक और चीज कर देता हूँ यहाँ पर, इंट रिजल्ट करके, रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने रिजल्ट कर दिया, और रिजल्ट को मैं प्रिंट करवा देता हूं फिर एट लास्ट, परसेंटेज डी इज रिजल्ट, ओके। सो ये मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं। इसको हेलो को मैं हटा देता हूँ यहां से, तो एक बार मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूं कि ये कैसे काम करता है। जीसीसी मेन डॉट सी, और ये मेरा आउटपुट। तो यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर ए, सो एंटर ए के लिए मैं दे देता हूँ इसके अंदर 12, और एंटर बी के अंदर दे देता हूँ मैं 13। ठीक है, तो ये आया 25। अब गाइज मेरे को इसको वापस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मैंने तो 12 और 13 दे दे चुका हूं मैं इसको, ये वापस से 25 प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर से रन करवाता हूँ, बंद करके फिर से रन करवाता हूँ मैं इसको। तो फिर से नया टर्मिनल खोलता हूँ मैं, और फिर से उसको कंपाइल करवा कर फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ मैं उसको। फिर से मैंने दिया, लेकिन ये तो फिर से मेरे से वैल्यू पूछ रहा है ए की, मैं ए की वैल्यू पहले दे चुका हूँ गाइज, 12 और 13 तो पहले दे चुका हूं, ये मेरे से फिर से पूछ रहा है वैल्यू ए और बी की। ए और बी की वैल्यू मेरे को वापस देनी पड़ेगी यहाँ पर, और फिर ये नया रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो गाइस अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपका कहाँ, ये सब चीजें आपको कहाँ काम आएंगी। तो आप यहाँ पर देखिए, असल में आपने क्या किया, ये आपका है ALU, ठीक है, आपका जो कोड था वो था रैम के अंदर। ठीक है,
रैम के अंदर आपका कोड था, ए की वैल्यू आपको देनी थी, बी की वैल्यू देनी थी आपको, ठीक है। तो ए की और बी की वैल्यू आपने यूजर से पूछी, यूजर से आपने पूछी तो यूजर ने दिया 12 और बी की वैल्यू थी 10 मान लीजिए, ठीक है। फिर ए एल यू ने रिजल्ट कंप्यूट किया और उसने आउटपुट में दे दिया सी इक्वल्स टू 22, रिजल्ट इक्वल्स टू 22 उसने दे दिया। लेकिन जैसे ही आपने इसको बंद किया, प्रोग्राम को बंद किया, क्योंकि सारा डेटा रैम के अंदर था और हमें पता है रैम होती है वोलाटाइल मेमोरी, तो जैसे ही हमने उसको बंद किया ये सारा डेटा वैनिश हो गया और फिर से हमें वापस से उसको नई तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ा। फिर से वो अपने से पूछेगा ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, और फिर से वो रिजल्ट की न्यू वैल्यू अपनों को प्रिंट करवाएगा। जो ओल्ड वैल्यूज है ए और बी की वो वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई अगर हमें कोई वैल्यू ए और बी की अगर हमें रैम के अंदर नहीं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे हम? भाई हमने ये डेटा दिया, डाला एक टाइम पे, डेटा कहाँ पर आया? ये रैम के अंदर भी नहीं आया, ये डेटा आया अपना किसके अंदर? रजिस्टर्स के अंदर आया, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स है उसके अंदर आया, वहीं पे एग्जीक्यूट हुआ। हम चाहें तो कुछ देर के लिए उसको रैम में स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने बंद किया उसको सारा डेटा वैनिश हो गया। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास में होता है कोई भी लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस में सारा डेटा होता है हमारे पास में रैम में, यहाँ पर डेटा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, और यहाँ पर होती है प्रोसेसिंग, ठीक है। सो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन टेक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर सी सी प्लस प्लस जावा, वट एवर लैंग्वेज यू टेक, सारी स्क्रिप्ट कहाँ पर होती है? रैम के अंदर होती है और प्रोसेस होती है हमारी एएलयू के अंदर लाकर, ठीक है। हम उसको सीपीयू के अंदर लेके आते हैं, सीपीयू हैज मल्टीपल रजिस्टर्स और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन बात ये है रैम से अपर लेवल पे जितनी भी मेमोरी जैसे कैश हो गई या फिर बाद में रजिस्टर्स हो गए वो सारी वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हुआ वो सारा डेटा वैनिश हो जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कि आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर करें हम? उसके अंदर हम डेटा यूजर से ले और किस तरीके से उसको हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करें, तो उसके लिए हमारे पास में सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज जो कि एसक्यूएल है या फिर डेटाबेस की मदद से हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो यह डेटाबेस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन स्टोर डेटाबेस, ये हमारा हो गया डेटाबेस और इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा MongoDB सॉफ्टवेयर को यूज करके कर सकते हैं, या तो हम ओरेकल को यूज करके कर सकते हैं, या तो हम MySQL को यूज करके ये सब काम कर सकते हैं। तो होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, व्हाई वी रिक्वायर डेटाबेस, ओके। अब क्योंकि और एक और चीज है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं इसको। तो इसीलिए हमें उसके अंदर डेटा को एक अरेंज्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने की जरूरत है, ठीक है। सो डेटाबेस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी डेटा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑफकोर्स जो भी हमारा डेटा होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप कहोगे, कई लोग कहोगे कि भाई डेटा क्या होता है, हमें तो डेटा ही नहीं पता होता क्या डेटा। तो मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर की दुकान पे, आपकी एक शॉप है, ठीक है, और आप उस दुकान के शॉपकीपर, तो आप हिसाब किताब कर रहे हो, तो आपने हिसाब किताब में लिखा कि ये नेम और उसका कितना मतलब अमाउंट है, उसको कितना अमाउंट देना है, ठीक है। तो आपने लिख लिया कि चेतन को देना है 5,000 रुपए, ठीक है, वहीं आरिस को देना है 1 लाख रुपए, वहीं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, ठीक है, वहीं मंचिका को देना है 2,000 रुपीज, वहीं खुशी को देना है आपको 500 रुपीज। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर लगाई और उससे एसोसिएटेड आपने अमाउंट लिखा। तो ये जो है आपका यही डेटा है,
डेटा कैन बी एनीथिंग, वॉट एवर इंफॉर्मेशन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी टेक्सचुअल टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, या तो वीडियो के रूप में हो सकती है, या तो ऑडियो के रूप में हो सकती है, नंबर्स के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में आपके पास में डेटा हो सकता है. तो डेटा कैन बी एनीथिंग. सो होप यू हैव अंडरस्टूड. और इसी डेटा को एक अरेंज्ड वे में, अब देखिए ये तो प्रॉपर अरेंज्ड वे में डेटा है, तो मैं इससे आसानी से, अगर मैं आरिश ढूंढूंगा तो आसानी से मिल जाएगा मुझे. लेकिन यही डेटा मेरा कुछ ऐसे तरीके से, मैंने ऐसे लिख रखा हो कि नेम चेतन 500. यहाँ आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. और फिर बाद में अगले उसमें लिख दूं मैं खुशी 500 रुपी नेम. तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है. सो गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज टेक्स्ट मी ऑन माय कमेंट्स. सो होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. तो अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं MySQL के ऊपर. तो डेटाबेस होने के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज MySQL. ये MySQL क्या है? तो SQL तो आपको पता है सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होती है. MySQL क्या है? तो MySQL एक पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है. ये एक बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है. दैट इज यूज टू हैंडल डेटा इन रिलेशन मैनर, ठीक है. आपके पास में यहां पर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं डेटाबेस के अंदर. एक टेबल हो सकती है यूजर के लिए, दूसरी टेबल हो सकती है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है. ये होगी आपकी प्रोडक्ट के लिए, तीसरी टेबल हो गई आपकी ऑर्डर के लिए, ठीक है. और इसकी जो MySQL की जो पैरेंट कंपनी है वो है ओरेकल, ठीक है. इसकी जो पैरेंट कंपनी है वो ओरेकल है, जो इसकी डेवलपर कंपनी है तो ओरेकल है. और ये जो आती है वो आती है RDBMS के अंडर, तो जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर. और ये जो जितनी भी टेबल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है. किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से MySQL काम करता है. हाउ डज MySQL वर्क? MySQL वर्क, तो देखो MySQL के अंदर एक तो होता है सर्वर वाला पार्ट, ठीक है, और एक होता है उसका यूजर इंटरफेस के लिए. यूजर इंटरफेस के लिए हम या तो GUI यूज कर सकते हैं, या तो हम कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं, सो कमांड लाइन क्लाइंट भी हम यूज कर सकते हैं. तो ये हम कमांड लाइन क्लाइंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. और ये हो गया हमारा डेटाबेस सर्वर. तो आप ये कहोगे यार भैया ये डेटाबेस सर्वर क्या है? तो देखिए डेटाबेस सर्वर कुछ नहीं है. सपोज आपके पास में सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मल्टीपल स्लॉट्स हैं आपके पास में. तो मल्टीपल सेगमेंट स्लोट्स आपके पास में है मेमोरीज के, जिसके अंदर आपको डेटा स्टोर करना है. तो ये डेटा इसके अंदर कैसे स्टोर करेंगे? ये डेटा मतलब यहाँ पर ये अबेंडेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी आपके पास में है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस सर्वर. और कमांड लाइन जो है या फिर GUI है, इसकी मदद से वो यूजर इस डेटाबेस सर्वर के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है. तो बेसिकली एक तरीके से यही एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, यही वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस सर्वर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो हमें बेसिकली ये दो चीज इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस सर्वर और कमांड लाइन क्लाइंट. GUI भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है. कई लोग GUI के थ्रू भी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं. तो क्या होता है बेसिकली, आपका यूजर एक क्वेरी जनरेट करता है, तो वो जाता है डेटाबेस सर्वर के पास में, वो क्वेरी जनरेट करता है और बदले में उसको क्या मिलता है? रिजल्ट.
ठीक है, वो कहता है कि भैया मेरे को ये जो डेटा है वो इतनी अमाउंट ऑफ मेमोरी मेरे को रिक्वायर्ड है, तो उसके अंदर ये स्टोर कर दो। तो उसके बदले वो उसको स्टोर कर देता है, तो वो रिजल्ट जनरेट करता है। वहीं अपने पास में जीयूआई होता है, तो जीयूआई भी कुछ नहीं है, उसकी मदद से भी हम सेम चीज कर सकते हैं, कुछ नई चीज नहीं होगी, सेम चीज होगी, क्वेरी हम जनरेट करेंगे, लेकिन वहां पर हमारे पास में कमांड प्रॉम्प्ट की तरह हमारे पास में कमांड्स नहीं लिखने पड़ेंगे, हमें जैसे कि हम बटन दबाते हैं वैसे बटन दबाकर हम सेम चीज जो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से हम कर सकते हैं, वही चीज हम जीयूआई की मदद से भी कर सकते हैं। सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट अप टू हियर। अब आ जाते हैं कि इंस्टॉल करना है अपने को MySQL सर्वर। सो आप एक एक स्टेप फॉलो करते रहिए मेरे साथ में MySQL सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। चलिए इंस्टॉल करते हैं MySQL सर्वर को। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर MySQL सर्वर डाउनलोड, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहला जो है डाउनलोड MySQL कम्युनिटी सर्वर, इसके ऊपर आप टैप कीजिए। यहाँ पर इस जगह पर आने के बाद में आपको टैप करना है गो टू डाउनलोड पेज के ऊपर। तो यहाँ जाकर आप कुछ नहीं, ये सेकेंड नंबर का है, फर्स्ट है MySQL इंस्टॉलर वेब कम्युनिटी और सेकेंड है MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी 8.0.31। देखिए आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है 8.0.31, लेकिन इन फ्यूचर इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये ऑलरेडी मेरे पास में डाउनलोडेड है, तो मैं इसको एक बार फिर से डाउनलोड तो नहीं करूंगा। आप इसको खोल लीजिए, तो आप खोलोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। तो अब आप एक एक स्टेप मेरे साथ में फॉलो करते रहिए, आपके पास में ये स्क्रीन खुल जाएगी और आप एक एक स्टेप, मतलब एक भी स्टेप आप इधर से उधर नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कस्टम के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, अगर ये डेवलपर डिफॉल्ट मोड पे है तो आपको इस मोड में नहीं जाना है, आपको कस्टमर मोड में उसको सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है, और फिर बाद में आपको सेलेक्ट करना है माई एसक्यूएल के अंडर में माई एसक्यूएल सर्वर में ये, और इसको राइट साइड की तरफ पुश कर देना है, इसको यहाँ पर टैप करके राइट साइड की तरफ पुश कर दिया। फिर मैंने एक और आपका एक वर्क बेंच और चाहिए अपनों को, एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन में वर्क बेंच में, ये एक जीयूआई है बेसिकली, ये कुछ और नहीं जीयूआई है, तो आप ये वर्क बेंच इसको भी आप पुश कर दो राइट की तरफ और फिर आप नेक्स्ट दबाकर इसे कर दो एग्जीक्यूट। तो ये थोड़ा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, इंस्टॉल होने में, तो आप थोड़ा सा अपनों को वेट करना है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो माई एसक्यूएल कम्युनिटी है, ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मतलब अपने वो भी पास करते रहते हैं, और माई एसक्यूएल के ऊपर बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, तो आप गिटहब के ऊपर भी आपको एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। फिर आप नेक्स्ट में जाकर नेक्स्ट एंड यहाँ पर पोर्ट आपका ये सिलेक्टेड है, अगर ये पोर्ट में एरर दिखा रहा है तो आप चेंज कर लीजिए, हो सकता है कि कभी कभी आप जो ये पोर्ट आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर कोई एरर दिखाएगा, तो अगर एरर दिखाएगा तो आप इसको 6 की जगह 7 डाल दीजिए, मेरे में एरर नहीं दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर 6 ही रखूंगा बाई डिफॉल्ट जो है, और ये जो जो भी है बाई डिफॉल्ट मेरे को रखनी है सारी। फिर मेरे को आगे नेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन, सो इस वाले को आपको चूज करना है और आपको नेक्स्ट में चले जाना है। यहाँ पर मेरे को एक पासवर्ड देना है, तो आप सिंपल कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, मैं नॉर्मल पासवर्ड दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए। आप अपना पासवर्ड दे दीजिए। ये मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, ठीक है। सो होप यू आपने यहाँ तक कर लिया, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार पीछे बैक में जाकर फिर से देख लीजिए गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट. सो इट विल टेक फर्दर सम टाइम. ये हो गया आपका फिनिश. सो नेक्स्ट एंड फिनिश. अब आप यहां पर आकर चेक कीजिए, तो ये आपका हो गया, आपका वेलकम टू माय एसक्यूएल वर्कबेंच आपका खुल गया है. और आपको कुछ नहीं, इसको सिंपली सर्च में जाइए और यहां पर आप सर्च कर लीजिए. आपको सर्च करना है, आपने अभी दो चीजें डाउनलोड की है. पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आपने दो चीजें कौन कौन सी डाउनलोड की है. आपने एक तो माई एसक्यूएल, माई सर्वर आपने वो किया, उसके अंदर आपने कमांड लाइन क्लाइंट, और दूसरा आपने किया है वर्क बेंच. तो आपने दो चीजें आपने उसके अंदर डाउनलोड किए हैं. तो अब आप यहां पर आइए और इसके अंदर डालिए माई एसक्यूएल, एसक्यूएल माई एसक्यूएल कमांड लाइन. तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी और आपको यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड वहां पर दिया था वो यहाँ पर आप डाल दीजिए. 7073006 1527. तो मैंने ये पासवर्ड डाला और ये यहाँ तक आ जाएगा. सो होप गाइस आपने कर लिया है. एक बार फिर से आप देख लीजिए मेरी वीडियो को रिवाइंड करके. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको पीछे जाकर देख लीजिए. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक चीजें देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर बेसिक चीजें हैं. तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो आपका डीबी डेटाबेस सर्वर होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ छोटे छोटे डेटाबेस बने हुए होते हैं. डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, डेटाबेस 4, और इसके अंदर भी अपनों को मल्टीपल टेबल बनाकर बनाने पड़ते हैं. इसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, तो हम उसको देखते हैं. तो मैं लिखता हूं यहाँ पर शो डेटा बेस. सो डेटा बेसिस ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. मैंने लिखा शो डेटा बेसिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस, ये चार बाय डिफॉल्ट डेटा बेसिस इसके अंदर है पहले से ही. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. फिर अब हम वन बाय वन करके एक एक चीज हम करेंगे. तो आप एक एक चीज मेरे साथ में यहाँ पर हैंड्स ऑन कीजिएगा गाइस. आप कोई भी चीज मिस मत कीजिए. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा गाइस, ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक और वो बना लेता हूँ. तो मैं आपको यहाँ पर कमांड लिखता रहूंगा और लास्ट में मैं आपको एक चिट शेयर कर दूंगा, ठीक है. तो मैं सारे कमांड यहाँ पर लिखता रहा. सबसे पहला जो हमारा है वो है शो डेटाबेस. तो शो डेटाबेस जितनी भी डेटाबेसेस हैं हमारे पास में वो आपको दिखा देगा, ठीक है. तो सबसे पहला कमांड है शो डेटाबेस टू सी ऑल दी डेटाबेसेस, ठीक है. टू सी ऑल द डेटाबेसेस. सेकेंड है अपने पास में क्रिएट डेटाबेस. सो क्रिएट डेटा बेस, ये बेसिस नहीं है गाइस, डेटाबेस ही है सिर्फ. और फिर अपने को नाम देना है, किसी भी नाम से हम बनाना चाहते हैं. तो हम कोई भी डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो टू क्रिएट, ये है टू क्रिएट न्यू डेटाबेस को बनाने के लिए, ठीक है. सो एग्जाम्पल के लिए मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ, कोई भी आप अपने नाम से बनाइए, मैं अपने नाम से एक डेटाबेस बनाता हूँ. क्रिएट CREATE क्रिएट डेटा बेस. ये डेटाबेस आप कोई भी नाम,
कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ चेतन, ठीक है। तो मैंने एक नाम दिया चेतन और मैंने एक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए क्वेरी ओके, ये जो क्वेरी है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। वन रो अफेक्टेड, सो इसके अंदर ये जो डेटाबेस है इसके अंदर एक रो अफेक्ट हुई है। देखते हैं अब हम शो डेटाबेस करके देखते हैं वो रो कौन सी अफेक्ट हुई है। सो डेटाबेसेस, तो यहां आप देख सकते हो एक रो अफेक्ट हुई है। अगर मेरे को एक और बनाना है तो एक और मैं कैसे बनाऊंगा, मान लीजिए मैं एक और बना रहा हूं, क्रिएट क्रिएट डेटा बेस, और मैंने बना दिया LEARN लर्न करके। तो यहां पर क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, एक और रो अफेक्ट हुई है। तो अब मैं लिखूंगा शो डेटाबेसेस, उसको देखना है मेरे को, तो शो डेटाबेस बेसिस करके मैं लिखूंगा। और मेरे पास में जितनी भी मल्टीपल नंबर ऑफ डेटाबेस है मेरे पास में वो सब निकल के आ जाएंगे। तो मैंने दो नई क्रिएट किए हैं, चेतन और लर्न, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये। सो हाउ टू यूज दिस डेटाबेसेस, अब हम हमारा क्वेश्चन है कि इस डेटाबेस को हम यूज कैसे करेंगे। सो अगला मेरे पास में पॉइंट है, थर्ड जो है वो है हाउ टू यूज दिस डेटाबेस, टू यूज हाउ टू यूज दिस डेटा बेस। सो इस डेटाबेस को मैं यूज कैसे करूंगा, तो इसके लिए हमारे पास में है कमांड, अपने पास में है, आप ये कमांड पे देखिए, यूज डेटाबेस और फिर उसका नाम, जैसे कि डीबी, उसका तो उसका नेम जो भी, उसके लिए आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ नाम के लिए मैंने दिया है। इसकी जगह पर, इस पूरी की जगह पर आप नेम लिख सकते हो। तो कमांड क्या होगा अपना, यूज डेटाबेस, जैसे मैंने दो डेटाबेस बनाए हैं मैंने, एक चेतन और एक लर्न। तो आप सपोज मेरे को यूज करना है चेतन, तो मैंने चेतन के साथ में मैंने लिखा, तो ये मेरा यूज करने लग, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, डेटाबेस चेंज हो जाएगा अपना। तो इसको करके देखते हैं अपन, तो मैं लिखूंगा यूज डेटा बेस और फिर बाद में आगे लिखा है चेतन, चेतन तो सॉरी मेरे को लिखना है यूज यूज चेतन। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये मैंने गलती कर दी, डेटाबेस नहीं आएगा, सिर्फ उसका नाम आएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मैं यहाँ पर भी इसको सही कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर डेटाबेस मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा नाम डाल कर भी मैं कर सकता हूँ, तो ये सीधा सीधा मेरे को लिखना है कि यूज चेतन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर टिल हियर, थैंक यू गाइस। अगली वीडियो में मैं आपको और ज्यादा इसके बारे में बताऊंगा।